नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पॉलिटिक्स में, जहां हम बात करते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स की लेकिन जरा मजे में। तो दोस्तों, आज हम मोदी सरकार के 100 डेज पे उन्होंने क्या क्या झंडे गाड़े हैं इस पे बात करेंगे, लेकिन मजे में। तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और अहम फैसला मोदी सरकार ने लिया आर्टिकल 370 के रिमूवल का। इवन लोगों ने इतना कुछ कहा था, इतना हवा बना था, पर फिर भी इस आर्टिकल को मोदी सरकार ने रिमूव किया और ये एक बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। हालांकि लोग चाहते नहीं थे, नहीं विश्वास हो रहा है? आप देख लो विपक्षियों का क्या कहना है पहले, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो होता। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। भाई, इस वीडियो को देख के तो मुझे एक शायरी याद आ रही है, आप लोग सुनो दोस्तों, कि मोदी और शाह ने ऐसे किया 370 को बर्बाद, कि मोदी और शाह ने ऐसे किया 370 को बर्बाद कि देखते रह गए फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद। तालिया तालिया तालिया। नेक्स्ट दोस्तों, बड़ा काम क्या हुआ इस सरकार के 100 दिन में? ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया फाइनली, यानी कि अब सिर्फ तलाक 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 कहने पे तलाक नहीं होगा, आपको नॉर्मल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं कोर्ट की वो फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, उंगल करना उनका काम है। तो इंडिया में फेमस ओवैसी साहब को इसमें भी दिक्कत हो गई। उनका कहना है कि आखिर आप एक सिविल कोर्ट के मुद्दे को क्रिमिनलाइज क्यों कर रहे हैं? तो भाई, मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई लड़का सिर्फ मोबाइल पे मैसेज करके लिख दे तलाक 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 और अपनी बीवी को छोड़ दे, ये किसी क्राइम से कम है क्या दोस्तों? आप बताओ, ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। और ओवैसी साहब, आपको तो अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, मैं आपको क्या जवाब दूं दोस्तों? एक बार जवाब भी सुन लीजिए आप मोटा भाई का। He is not yielding. Please be seated. सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है, डराने का सवाल नहीं है, डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मोटा भाई ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया दोस्तों ओवैसी साहब को। चलिए हम बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज दोस्तों, भारत की इकॉनमी 5% भी इसी 100 दिन में डाउन हो गई है। तो जीडीपी भारत की 5% आ गई है, जिस पे वैसे तो बीजेपी वाले ऐसी कम गलतियां करते हैं कि उस पे कोई मजाक आप कर सको, लेकिन इस बार बीजेपी से गलती हो गई थोड़ी सी। निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री, उनसे सवाल पूछा गया कि हमारी जीडीपी डाउन हो गई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तरीके से बर्बाद हो चुका है, लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो गई हैं, फैक्ट्री कारखानों में काम बंद हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ओला उबर की वजह से हो रहा है। The mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else or take the metro. तालिया 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 इनके स्टेटमेंट के लिए। मतलब अगर हम इनकी बात समझें तो ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर सोना 40 की जगह 35,000 का मिलेगा तो इससे हीरे की सेल कम हो जाएगी, मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है दूर दूर में। अरे, ओला उबर सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो अभी है ही नहीं, बहुत स्पेसिफिक जगहों पे बड़े बड़े शहरों में सिर्फ ओला उबर चलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज का क्या, जहां पे उबर बिल्कुल हर जगह है, गांव गांव में है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर के डाउन होने का ये रीजन तो हो ही नहीं सकता। जो रीजन मैं समझ पा रहा हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक कार एक लग्जरी गुड है, अगर आपके जेब में पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ओला उबर से जाना कभी पसंद नहीं करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार बीजेपी से इस तरह की छोटी गलती नहीं होगी। इकॉनमी अगर डाउन हुई है तो उसको लेके सीरियस हो और सीरियस स्टेटमेंट पास करें। तो अगली न्यूज दोस्तों, मर्जर ऑफ बैंक्स की है। दोस्तों, अब भारत में जितने भी सरकारी बैंक हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे बैंक हैं जिनको आपस में मर्ज कर दिया गया है, 3 बैंक को 1 बना दिया गया है या 2 को 1 बना दिया गया है।
इससे किसको दिक्कत है? इससे दोस्तों विपक्ष को तो दिक्कत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन सरकारी बैंकों में काम कर रहे एम्प्लॉइज को भी बहुत दिक्कत है, जो कि अपने 8 घंटे की ड्यूटी में 8 मिनट काम करके 80 मिनट का आराम करते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपके पास भी सरकारी बैंकों से बहुत ही रेयर कॉल आती होगी उनके किसी भी ऑफर के लिए, जिसके थ्रू उनकी रेवेन्यू बढ़ सके। उन्हें तो कुर्सी पे आराम करने की आदत पड़ चुकी है, तो इस वजह से दोस्तों उन्हें बहुत दिक्कत है कि उनका जो आराम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि देश में बैंक बहुत है और बैंकों के पास पैसा नहीं है, वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, जिस वजह से लोग यहां से पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एक अच्छा स्टेप रहा है। अगला बड़ा काम क्या हुआ है इन 100 दिनों में? नए ट्रैफिक नियम बन गए हैं, यानी कि अब लोग जब बाइक चलाने जाते हैं ना, तो बाइक की चाबी से पहले हेलमेट को ढूंढना पसंद करते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये दोस्तों टोटली सारी चीजों का मैंने लेखा जोखा आपको बताया, जिसमें कि गवर्नमेंट ने बड़े बड़े काम किए हैं। बाकी इसके अलावा भी छोटे छोटे कई चीजें हुई हैं देश में, लेकिन ये मेजर चीजें थी। ट्रैफिक वाली वीडियो, अगर नए ट्रैफिक नियम वाली वीडियो आपको देखनी है, तो उसके लिए आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।